हेलो दोस्तों, ये ब्लोवर खोलने के लिए अपन को पहले के ऊपर के 3 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। स्क्रू आप जैसे ही खोलेंगे, इसका फ़ैन निकालने के लिए पीछे से आप पेचकस लगा के फ़ैन निकाल देना। इसमें सिर्फ एक कट होता है, कोई लॉक नहीं होता है। आपको ओनली ये इसका फ़ैन निकाल देना, उसके बाद ये दोनों ऊपर के स्क्रू खोल देने हैं। अंदर बुश होता है और बुश के साथ साथ ये जो आपको लगा ये कार्बन ब्रश का ये होल्डर है, ये दोनों के दोनों होल्डर आपने निकाल लेने हैं। असेंबली होता है पूरा का पूरा, पूरा असेंबली आप बाहर निकाल लें। बाहर जैसे ही आप निकालें, इसके आर्मेचर को भी निकाल के चेक कर लें और सब कुछ ठीक हो तो आप वापस रिपेयर करके फिर से डाल सकते हैं हमारा। लेकिन ये बुश ख़राब है, इसी में सेट हो गया है, अंदर मोटर के साथ घूम रहा था, इसीलिए हमने इसको दोबारा रिपेयर करने के लिए बुश डाला। बुश डालने के बाद हमें इसे अब रिपेयर करके वापस हम इसे सेटिंग करके और फिट करेंगे। ये हमने इसका बुश निकाल लिया है। बुश निकालने के बाद हमने इसे दूसरा नया डाल के अब फिट कर रहे हैं। हमने पूरी असेंबली की कार्बन ब्रश हम लगा रहे हैं वापस। दोनों कार्बन ब्रश आपको सही से देख लेना है और देख के आप डाल देना है ब्रश अंदर साइड। ये देखिए हमने फिट कर दिया है कार्बन ब्रश, एक कपलिंग फिट कर रहे हैं, एक कपलिंग भी फिट हो गई। अब हम इसके ऊपर का कवर लगाएंगे जिसमें बुश भी होता है। बुश लगाने के बाद हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। ये मोटर घूम रही है, अब हम इसे चेक करेंगे। ये मोटर अब हमारी, इसमें हम फैन लगाएंगे। फैन लगा के हम इसे चेक करेंगे।